हेलो नमस्कार, बिजनेस नंबर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं चयनित शिक्षकों को लेकर और नर्सिंग छात्रों को लेकर। कल भोपाल में इनने प्रारंभ कर दिया है अपना आंदोलन और प्रदर्शन। इनने बोला है कि शिक्षकों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। 20,000 पदों पर शिक्षक नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। क्या कहना है बीजेपी प्रवक्ता का और कांग्रेस प्रवक्ता का और मीडिया का, जिसमें शिक्षकों की मांग को रखा गया है। तो कब तक पद वृद्धि की जाएगी मोहन सरकार के द्वारा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई और नर्सिंग छात्रों का क्या होगा इसके संबंध में भी जानकारी दी गई। तो दोनों ने भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया और मांग कर रहे हैं किनकी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ और वो डेविड भी दिखाने वाला हूँ जो बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा की जा रही है, और मीडिया का क्या कहना है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पा लें। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। क्या कहना है आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, मैं हूँ आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश वासियों, आपने आज चयनित शिक्षकों और नर्सिंग छात्रों की आवाज़ कितनी सुनी, कितनी समझी? यह मुद्दा बड़ा है क्योंकि अपनी मांगों को लेकर वो आंदोलन की राह पर हैं, सड़कों पर पहुंच गए हैं। प्रदेश के तमाम चयनित शिक्षक पद बढ़ाने को लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। सैकड़ों नर्सिंग छात्र 2 साल से जारी नहीं हुए एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस बीच सवाल यह है कि इन तमाम शिक्षकों और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? आज आपकी आवाज में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक या दो लोगों को मेरिट में डाल दिया जाता है, बाकी सब लोगों को बेटिंग में। एनएसटी का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश में आजकल प्रदर्शन का दौर जारी है, छात्र हो या शिक्षक दोनों ही सड़कों पर हैं। चयनित शिक्षक सरकार से पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, नर्सिंग छात्र एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए और समझिए। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे ये लोग चयनित शिक्षक हैं, जो एमपी सरकार से वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में 20,000 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ नर्सिंग छात्र एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी करने को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये छात्र शहर के जेपी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों का आरोप है, पद खाली होने के बाद भी पद क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? नर्सिंग छात्र अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों ने एमपीपीएनएसटी का एग्जाम दिया था, 2022 का एग्जाम था, 2023 में 7 से 9 जुलाई को हुआ था, हो गया था, पर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि 11 महीने हो चुके हैं। और सर, हम लोग पहले भी डीएचएस आ चुके हैं, एसबी आ चुके हैं, पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है रिजल्ट जारी करने के लिए। 80,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं वर्ग एक के मध्य प्रदेश में, और फिर भी हमारी पद वृद्धि नहीं की जा रही और सिर्फ 4,000 पदों पर भर्ती कर पाए। हम चाहते हैं 20,000 पदों पर पद वृद्धि, क्योंकि हम 85 नंबर लाने के बाद भी कायम है वेटिंग में। उन्होंने चयन परीक्षा पास की है, आपने उन्हें वेटिंग में डाला है, उन्हें वेटिंग में क्यों डाला है? आप उनको पोस्ट दीजिए, आप उनको स्कूल भेजिए, ताकि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। शिक्षक और छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं, प्रदर्शन पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार हर मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे नीट का मामला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो। ये सरकार इतना भ्रष्टाचार कर रही है और अधिकारी लोग मन मर्जी से काम कर रहे हैं और खूब लोगों से पैसा कमा रहे हैं, पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। शिक्षा कर्मियों सभी की जायज मांगों को सहानुभूति पूर्वक पूरा किया गया, यहाँ तक कि भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। उसके बाद कांग्रेस के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नौजवानों को भड़का रहे हैं। सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगे पूरी की गई और आगे भी पूरी की जाएंगी, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रोटी नहीं चलने वाली। एक तरफ अपने भविष्य की चिंता करते ये चयनित शिक्षक और नर्सिंग छात्र सरकार से मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो तमाम दलों के नेता इस पर सियासी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। अब इनके बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह है बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ आंदोलन, राजधानी में जुटे शिक्षक और छात्र चयनित शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग।
जी हाँ, नर्सिंग छात्रों के रिजल्ट को लेकर घमासान आपने देखा, किस तरह सड़कों पर नजर आ रहा है। अब जहां एमपी की राजधानी भोपाल में सैकड़ों शिक्षक और छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, ऐसे में कुछ सवाल भी हैं जो इस डिबेट के दौरान हम पूछेंगे, आज की चर्चा भी होगी। सवाल नंबर एक, परीक्षार्थियों की आवाज, कब मिलेगा उन्हें इंसाफ? खाली पद का मामला, विवाद निपटेगा कैसे, इसके लिए क्या रोडमैप है सिस्टम के पास? अब सवाल तो यह भी है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उससे कोई जल्द ही समाधान निकल पाएगा या लड़ाई अभी लंबी चलेगी? चयनित शिक्षकों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, या फिर वो जो मांगे रख रहे हैं वो कितनी सही है नहीं है, क्या समझ पा रही है सरकार, क्या समझ पा रहा है सिस्टम? सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या जिम्मेदार अभी तक बेखबर नजर आ रहे हैं, और अगर उन्हें खबर है तो उसके लिए आगे उनकी क्या रणनीति होगी? ये सवाल आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। आज हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, और कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी और कांग्रेस से सवाल पूछने से पहले सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जो भी बोले आप उसे तोलिएगा भी, और तकनीकी रूप से समझने की कोशिश भी किया करेगा, क्योंकि चयनित शिक्षक हों या फिर नर्सिंग के छात्र, वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि ये डिबेट तथ्यों पर आसपास रहे। पंकज चतुर्वेदी जी, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जो चयनित शिक्षक अपनी मांग रख रहे हैं या नर्सिंग के छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, उन मांगों को आप किस तरह से देख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, और इस पर आपके आगे क्या फैसला रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? देखिए दिव्यांश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से जनहितैषी सरकार रही है, और यदि जनता जनार्दन के किसी भी पक्ष से यदि कोई विषय रेखांकित किया जाता है, उल्लेखित किया जाता है, तो निश्चित तौर पर हमारा दायित्व है कि उसको हम सुने, उसको एड्रेस करें। सरकार पिछले 20 साल से यही करती आ रही है। निश्चित तौर पर यदि चयनित शिक्षकों का विषय हो या नर्सिंग के हमारे विद्यार्थी हों, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है जहाँ सबको आंदोलन का और धरने प्रदर्शन का अधिकार और अपने विषय रखने का अधिकार है, और सरकार इस मामले में बेखबर नहीं, बाखबर है। पूरी खबर सरकार के पास है, और सरकार का सिर्फ ये आग्रह सबसे है आपके बड़े मंच के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति के साथ, 8 करोड़ इस मध्य प्रदेश में लोग हैं, और चुनाव तक कोई बीजेपी कांग्रेस हो सकता है, पर चुनाव के बाद सब मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन के हित में ये सरकार जो सर्वश्रेष्ठ हो सरकार वो अब तक करती आई है और बेहतर करेगी समयकाल परिस्थिति के आधार पर। जहां तक नर्सिंग का विद्यार्थियों का विषय, तो हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल थी, पुरानी प्रक्रिया थी, उसको सबको समाप्त करके नए सिरे से पूरा कमीशन आयोग गठित करने का फैसला किया है। सवाल बड़ा सीधा है, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनकी मांग जायज है, क्या वो जायज मांग के साथ सड़क पर उतरे हैं? देखिए दिव्यांश जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भी मांग लेकर आता है तो क्या वो इसको नाजायज थोड़ी लगती है, और ना हम इस मंच के माध्यम से बिना संपूर्ण दस्तावेज के आधार पर किसी को उचित अनुचित करार दे सकते हैं। हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे, पर नर्सिंग का यदि विषय आता है, लेकिन तो पंकज जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे दस्तावेजों से आप पूरी तरह से बाखबर होंगे, आपको पूरी जानकारी होगी। मैं उत्तर तो देने सर, मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि बिल्कुल बाखबर है, लेकिन आग्रह सिर्फ इतना सा है कि ये बहुत सारे विषय कोर्ट के हैं, और जिस मामले में देश का उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय यदि किसी विषय में संज्ञान ले रहा हो, बहुत सारे निर्णय उसके आधार पर किए जा रहे हो, कई सारे लोगों को सीबीआई जैसी संस्था ने अपने लोगों को गिरफ्तार किया हो, बर्खास्त किए गए हो, अधिकारी जेल में हो, संचालक जेल में हो, तो विषय उतना सरल नहीं है जितना कि आंदोलन। शैलेंद्र पटेल जी, क्या आप इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं, क्या आप सड़कों पर उतर रहे अभ्यर्थियों को या फिर छात्रों को भड़का रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं? आप भी मुझे सरल सी भाषा में समझा दीजिए, अगर कोई मुद्दा है, कोई विषय है, तो विपक्ष क्या उस मुद्दे को नहीं उठाए? अगर उठाता तो क्या राजनीति उंगलियां सेकना हो जाता है? अभी तो कुछ चुनाव नहीं है, अगर पक्ष और विपक्ष प्रजातंत्र के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष का ये काम है सरकार को आईना दिखाना, पीड़ित लोगों के साथ खड़े होना, और कोई मुद्दा है तो उसको उस लड़ाई को उस तरीके से लड़ना। अगर ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो ये अगर बात कहा जाए कि राजनीति रोटी सेक रहे हैं, तो ये कहां तक उचित होगा? क्या विपक्ष अपनी आवाज उठाना बंद कर दे? ये तो हो नहीं सकता ना भाई। अभी पंकज जी बड़े अच्छे से बता रहे थे, मुझे एक बात बताइए कि प्रूफ की जरूरत क्यों पड़ी? जब छात्र सरकार तक पहुंचे, लगातार बात कर रहे थे, जब तो सरकार ने सुनी, जब तो लगातार मान्यता दे दी गई,
200 नए कॉलेज को मान्यता दे दी बगैर देखे परखे, और आज तक जिन्होंने उस तरह की मान्यता दी ना संबंधित मंत्री पर आज तक कोई कार्रवाई की बात हुई, ना संबंधित अधिकारी के ऊपर कोई बातचीत हुई, तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने सीबीआई की जांच की। अगर ये सरकार ये काम खुद कर लेती तो कोर्ट सीबीआई की जांच क्यों करवाती? तो कहने की सरकार ये स्वीकार ना हुआ कि नाकामी हुई। अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे तो राजनीति तो आप सेक रहे। उसी बात उन छात्रों के भविष्य की बात है, हम उन छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर तो उनके 2 साल हो गए हैं एडमिशन के बाद, उनके कॉलेज रद्द हो गया, उसकी मान्यता नहीं मिल पाई, तो अब गलती किसकी? अब वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? ये वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को ही देनी चाहिए ना। इसमें निर्णय करें, बैठे मीटिंग करें कि नहीं अभी इन बच्चों को कॉलेज से हम पढ़वाएंगे, इस तरीके इनका कोर्स करवाएंगे ताकि इनका साल या समय खराब नहीं हो। ठीक है, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। डॉक्टर सतप्रकाश सर, बड़ा जटिल विषय है ये, इतना जटिल है कि सड़कों पर जब संग्राम देखने को मिलता है तो एक तरफ मांगे होती हैं, दूसरी तरफ उन मांगों पर सिस्टम का रवैया होता है। आपने मांगे भी समझ ली होंगी और सिस्टम का रवैया भी देख लिया, विपक्ष के सवाल भी समझ लिए, क्या नजर आ रहा है? देखिए दिव्यांश जी, ये मामला राजनीति का बिल्कुल नहीं है, लेकिन विपक्ष का भी अपना धर्म है कि इस आवाज को आगे वो बढ़ाए जिससे सरकार उस पर संज्ञान ले। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए पुरानी गलतियों को किसी व्यक्ति पर थोपना मैं उसको जायज नहीं मानता। मोहन यादव की सरकार ने 3 माह में प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने अगर एक साथ 10,000 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया तो वो मोहन यादव की सरकार है। दूसरी चीज सुनिए, उन्होंने 3 माह में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी। एक चीज और सुनिए, अभी हाल ही में कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि 45,000 के लगभग स्वास्थ्य विभाग में लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सरकार युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन सिस्टम में पुराना बिगड़ा हुआ खेल, इस खेल को मैं बाकी कहूंगा कि पुरानी सरकार की काफी गलतियां हैं। मोहन यादव की सरकार के बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार पीएससी के रिजल्ट, जो ट्रैक पर नहीं था पीएससी, उसको उन्होंने लाया और 22 तक के रिजल्ट घोषित कर दिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो समस्या है इन पर सरकार को संज्ञान लेने की अति आवश्यकता, क्योंकि युवा अगर प्रदेश में बेरोजगार होता है तो वो ना केवल उसके परिवार या उसका व्यक्तिगत संकट है बल्कि सरकार पर एक बड़ा बोझ होता है। या सरकार जब आगे की तरफ, विकसित भारत की तरफ जा रही हो, आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रही हो, उस समय सरकार को इनकी मांगों पर गंभीरता लेते हुए उनके खिलाफ जिनके कारण नर्सिंग जैसी स्थिति में अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, हालांकि कोर्ट में मामला होता है, वो मामला उन जांच का विषय है, वो जांच अलग है कि एडमिशन कैसे हुए, वो एडमिशन का मामला है, ये मामला या कोर्ट कैसे नर्सिंग कॉलेज रन कर रहे हैं उसका मामला है। लेकिन अगर कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो उस पर सरकार को गंभीरता से, मेरे तो यहां तक कहूंगा कि पिछली सरकार में जो भी मंत्री थे, जो भी अधिकारी थे, उन पर भी सरकार को आगे आकर कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये सरकार गंभीर युवाओं के मामले में रोजगार देने के लिए नहीं है। मोहन यादव की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने कितने कम टेन्यूर में इतने सारे लोगों को सरकारी नौकरियों में लेकर आए, जो कई वर्षों से कई कॉम्प्लिकेशंस थे, कोर्ट के कॉम्प्लिकेशन थे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको हटाते हुए रिजल्ट की तरफ सरकार। मैं आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी यहां पर सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि मोहन सरकार ने रोजगार को लेकर बड़े फैसले लिए हैं, त्वरित फैसले लिए हैं, लेकिन जो लोग छात्र हों या फिर शिक्षक हों चयनित, वो अपने भविष्य को अंधेरे में देख रहे हैं, उम्मीदों का दिया भी जला रहे हैं। ये उनकी उम्मीदों का दिया कब तक जलता रह सकता है जब वो इतनी मुसीबत में घिरे हुए हैं, अपने भविष्य को अंधेरे में देख पा रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए दिव्यांश जी, जो शर्मा जी ने कहा उसमें 1200 पद डॉक्टर के, मध्य प्रदेश में 1200 डॉक्टरों के पद खाली हैं, 600 के आसपास लगभग पद हम नए भर रहे हैं डॉक्टरों के, और बाकी 600 प्रमोशन से, 1273 टू बी एग्जैक्ट, और 46,000 से अधिक पद हम पैरामेडिकल स्टाफ के भर्ती करें जिसमें नर्सिंग से लेकर सारी सेवाएं सब आती हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में रोजगार लेकर अनेकों काम है। मध्य प्रदेश में आष्टा में सबसे बड़े प्लांट के लिए जो एथेन का प्लांट आने वाला, एक बड़ा प्लांट होगा जो बहुत सारे पेट्रोकेमिकल की फील्ड का है, बड़ा प्लांट है मध्य प्रदेश का, जो हजार रोजगार के अवसर सृजित करेगा। मध्य प्रदेश में 100 रोजगार के बहुत सारे काम है। जी, पर लबुलबाब तो ये निकल कर आ रहा है, मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में से 70 लोगों के घरों में अब रोशनी होने वाली है, लेकिन जो 30 लोग
दिखाई दे रहे हैं, उन 30 लोगों का क्या होगा? दिव्यांश जी, शत प्रतिशत रोशनी होगी। जिन 30 के साथ भी किसी प्रकार की जो आपके अनुपात के आधार पर कोई विसंगति है या किसी प्रकार का संकट जो किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ, सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उसका निराकरण करेंगे। पर निराकरण करना दिव्यांश जी सरकार में एक प्रक्रिया होती है। ये सरकार चलती संविधान की शपथ लेकर। मोहन यादव जी ने भारत के संविधान की शपथ ली है, मोहन यादव जी ने पद की शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली है। तो संविधान सम्मत विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करके मैंने तो पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश के 8 करोड़ में से एक भी आदमी को पीड़ा नहीं होगी। जो यथा संभव यथा शीघ्र यथा श्रेष्ठ होगा वो सरकार करेगी, क्योंकि ये इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की रीति नीति है। सबकी भाजपा, सबके लिए भाजपा, जनहित की भाजपा की मोहन यादव जी की सरकार है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में हम तो कृतज्ञ है जनता जनार्दन के कि हमको बंपर आशीर्वाद देती है जनता। तो हम भी अपनी ड्यूटी को डट कर मैदान में खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं। और जो विषय चयनित शिक्षक भाई बहनों के उनको एड्रेस करेंगे, जो विषय नर्सिंग कॉलेज से संबंधित भैया बहनों के उनको हम एड्रेस करेंगे। पीड़ा में मध्य प्रदेश का एक भी आदमी रहेगा, ये मेरी गारंटी। शैलेंद्र पटेल जी, भाजपा के पक्ष से आपके मंच से। ओके शैलेंद्र पटेल जी, आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, मैं सहमत भी हूँ कि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष का तरीका क्या होता है किसी मुद्दों को उठाने का, वो भी बड़ा गौर करने वाला होता है। जो पीड़ित है वो भी देख रहा होता है, जो सिस्टम में लोग हैं वो भी देख रहे होते हैं। उस भूमिका में आप अपने आप को कितना फिट महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही भी जल्द शुरू होने वाली है। क्या सिर्फ बयानों की भूल भुलैया में यह मुद्दा डूब जाएगा, अगर विपक्ष की भूमिका की बात करूं तो? मैं देखिए, इस तरीके से अभी पंकज जी ने अपनी बातें कही, हम ऐसा करेंगे, उनको प्रवक्ता होने का के कारण कहने का अधिकार है। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में आप देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे पे त्वरित निर्णय लेती है, कहीं कोई घटना होती है, संज्ञान में लेकर पहुंचना, उसकी आवाज उठाना, उसका फल और उसका प्रतिफल आपने देखा होगा कि सरकार भी एक्टिव मोड में आती है। निश्चित रूप से विधानसभा का सत्र आया है, उमंग सिंघार नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं, और पहला ये बजट सत्र आएगा, इसमें तमाम विषयों पर लंबी चर्चा होगी। कि पहला जो सत्र था उसमें सिर्फ शपथ और एक दो दिन का कामकाज हुआ था। सिर्फ हम सदन तक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सदन का काम विधायकों को वहां तक बात करना है और सड़क पे जनता की आवाज उठाना, और जहां भी जैसा प्लेटफॉर्म रहेगा उस तरीके से हम उस मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो लक्ष्य है वो ये कि जो शोषित है, पीड़ित है, उसको न्याय मिले, और जो सरकार है वो निरंकुश ना हो, और जिन मुद्दों से भटक जाती है, जो वादे उन्होंने चुनाव में किए हैं उन वादों को पूरा करें। क्योंकि आज जिस तरीके से जो वादे चुनाव के पहले किए जाते हैं और चुनाव के बाद नहीं होते हैं, तो ये विपक्ष का काम होता है। जैसा अभी लड़ाई ये गेहूं की बात है, 27 रुपए क्विंटल कहा गया था, दिया नहीं। अभी लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई सदन में भी लड़ी जाएगी और सड़क पे भी लड़ी जाएगी, चाहे धान की बात हो या लाली बहना को 3000 की बात हो। ये तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से अभी आपने कहा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम कहती नौकरियां दे देंगे अपने विषय, जो छात्रों के मामलों में, जो खासतौर पर नर्सिंग कॉलेज में जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया था कॉलेज में, और उनको तो नहीं पता था कि कल से ये कॉलेज जो क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो जिन छात्रों ने फीस जमा कर दी उन छात्रों की सरकार कुछ कदम उठाए, तो निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होगा। लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश, डिबेट हो, नहीं आई है कोई फाइट हो, संग्राम हो सियासी या फिर छात्रों की मांग हो, कुछ भी हो, एक कम्युनिकेशन बहुत बड़ा मीडियम होता है, बातों को समझाने का भी और किसी मसले को सुलझाने का भी। क्या यहां पर एक कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है जो इतने स्तर पर यह बात पहुंच चुकी है? देखिए दिव्यांश जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये जो दो मामले हैं वो कहीं ना शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। ये सरकार की प्राथमिकता और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का वादा होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो इन सिस्टम का जो बिगड़ा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे कहने में कि वाकई इन तीन दोनों चीजों पर, जब शिक्षा का स्तर, जब हमारे पास मैन पावर ही नहीं होगा, शिक्षक ही नहीं होंगे, हम कितने भी बढ़िया स्कूल बना दें, कुछ भी बना दें, इक्विपमेंट ला दें, लेबोरेटरीज बहुत अच्छी सजा दें, सीएम राइज स्कूल बना दें, लेकिन अगर शिक्षकों की कमी होगी तो उनको पढ़ाएगा कौन? इस पर सरकार की गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस जो बातें उठा रही है उसको, कांग्रेस को एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे उसकी इमेज भी कहीं ना कहीं लोगों में बनेगी, कि वो इस चीज पर फोकस करे कि उनको बच्चों को न्याय कैसे मिले, इस पर नहीं कि सरकार को घेरा जाए। ये डिफरेंस है। देखिए, एक तो सरकार को घेरने के मुद्दे होते हैं, दूसरे अपने जो पब्लिक है उनको, जो धर्म है विपक्ष का, उस धर्म को निभाते हुए वो चीज उनको कैसे प्राप्त हो,
उसमें कहां सपोर्टिव मोड में वो आ सकते हैं। ये रोल कहीं ना कहीं विपक्ष का होना चाहिए, ना कि सरकार को घेरने के लिए पॉलिटिकल मुद्दा या असेंबली में जाकर वहां पर। ठीक है, मैं दो मुहावरों का इस्तेमाल बार बार करता हूं, आज भी कर रहा हूं, तस्वीरें सामने ऐसी आ रही हैं। एक मुहावरा है जहां चाहा वहां रहा, और दूसरा मुहावरा है आसमान से गिरे खजूर में अटके। देखने वाली बात होगी इनमें से कौन सा मुहावरा ज्यादा सटीक बैठेगा आने वाले दिनों में, जो दो तस्वीरें आज हमने हंगामा और विरोध प्रदर्शन को देखी। आप तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो लगातार हमने देखा कि आज दिन भर सड़कों पर घमासान हुआ, चयनित शिक्षकों ने अपनी मांगे रखी और जो नर्सिंग के छात्र हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं। इन मांगों के मद्देनजर सबका पक्ष हमने सुना और आप तक पहुंचाया। आपकी आवाज भी आ रही है और नेताओं की आवाज भी आपने सुन ली। दोनों बातों को मिला दीजिए और देखिए कब इसका नतीजा आता है। हमारी नजर लगातार यूं ही बनी रहेगी।